Hey, what's up my people? I am Anirban and back here with another brand new video on my channel. तो आज का जो वीडियो है जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास आ गया है फेवर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चिमनी जो जैसे आप देख पा रहे हैं इधर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एन ISO सर्टिफाइड कंपनी जो फेवर एक बहुत ही अच्छा सा एक कंपनी है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चिमनीज वगैरह बनाते हैं। और अगर आप कहीं से भी मतलब आपके घर को रेनोवेट कर रहे हैं, आपके किचन को रेनोवेट कर रहे हैं, मॉड्यूलर किचन बनाने का सोच रहे हैं तो आप मेरे दिए गए हुए कुछ वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स दे दूंगा जिधर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे मॉड्यूलर किचन बनाया जाता है फ्रॉम स्क्रैच। सारे कुछ प्रोसेसेस मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल के लिए उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आज बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज जल्दी से इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसका जो यूजर जो एक्सपीरियंस है और कैसे इसको यूज किया जाता है वो भी एक डेमो उसके साथ साथ मैं आपको आज दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड सो जस्ट सिट बैक रिलैक्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव राइट इन। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऐसे कार्डबोर्ड में बहुत ही अच्छे से पैक होके आया था और ये हमने एक ऑफलाइन स्टोर से ही परचेस किया है। तो मेक श्योर करना कि आप जब भी इसको इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आप उसका एग्जॉस्ट का होल अच्छे से मतलब एकदम एक्यूरेट हाइट में ही करके उसको मतलब छोड़ना। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होता है मेजरमेंट के रिलेटेड तो आप आपके टेक्नीशियन के साथ बात कर सकते हैं बिफोर इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर चिमनी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको ऐसे मतलब रिमूव कर लिया जाता है। तो रिमूव करने के बाद इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ फर्स्ट ग्लांस मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बोल देना चाहता हूँ। तो इसमें आपको 1500 मीटर क्यूब का मतलब जो सक्शन पावर है वो देखने को मिलता है। ये एक फिल्टरलेस चिमनी है और उसके साथ साथ इसमें आपको ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और इसमें आपको ऑटो हीट क्लीनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं इन डिटेल में डेमो में बात करूंगा आपके साथ। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस है जो मतलब जो ज़्यादातर लोग देखते हैं जो इसका चिमनी का सक्शन वो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको अगर इन डिटेल्स में कुछ भी चीज़ मतलब इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब भी इंस्टॉल करने के लिए ये मतलब चीज़ करने जाएंगे हम तो पहले हमको अच्छे से मेजरमेंट ले लेना होगा उसके बाद ही जाके आप इसको एक्यूरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो मॉड्यूलर किचन पूरा मतलब फिट हो जाने के बाद मतलब सारे कुछ कैबिनेट्स वगैरह फिट हो जाने के बाद उसके बाद ही जाके लास्ट में इन सारे चीज़ों को फिट किया जाता है, पहले नहीं फिट किया जाता इनको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो अच्छे से मतलब जो टाइल्स के ऊपर होल करके ड्रिल करके और उसके बाद इसको लेवल करके जो क्लैंप है उसको बिठाया जाएगा जिसके ऊपर आपका जो चिमनी है वो रेस्ट करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको जितना हो सकता था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ओवरऑल जो चिमनी है वो तो मतलब देखने में बहुत ही बढ़िया सा देखने को लगता है और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है ये चीज़। और उसके साथ साथ आपको पीछे की तरफ दोनों हुक्स देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया वो दोनों हुक्स बेसिकली जब भी आप इसके ऊपर उसको टांगेंगे तो वो अच्छे से मतलब फिक्स होकर रहेगा, हिलेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन क्लैंप है उसको लगा लिया जाता है और इस वाले चिमनी को बेसिकली यूज़ करते हुए हमको लगभग 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी मतलब मॉड्यूलर किचन बनाने के बाद। तो चिमनी नो डाउटली बहुत ही बढ़िया है और बेसिकली ये एक फिल्टरलेस चिमनी है तो आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको यूज़ करने में। और यूजेज के मामले में अगर मैं आपको बताऊँ तो डेमो में आपको मैं सारे कुछ चीज़ें बताऊँगी कैसे इसको मतलब यूज़ किया जाता है जेस्चर फीचर के थ्रू, उसके साथ साथ टच के थ्रू। तो सारे चीज़ें मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए अभी हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे इंस्टॉल जब किया जाता है बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल से इंस्टॉलेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे जस्ट क्लैंप के ऊपर मतलब अच्छे से उसको बिठा के उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है इस वाले चिमनी के बारे में वो है कि आपको अलाइनमेंट ठीक से करना है, आपको एकदम एक्यूरेट हाइट पे इसको एडजस्ट करना है। वो वाला हाइट मतलब एवरेजली कितना रहता है वो डिपेंड करता है आपके चिमनी के स्लैब के हाइट के ऊपर। तो आपका स्लैब जितना हाइट पे है उसके ऊपर आपका हॉब रहेगा और उससे ही मतलब जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होता है आपकी चिमनी किस हाइट पे आप इसको बिठाएंगे। तो ये पूरा ही मतलब आपके ऊपर है क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड और फिक्स्ड हम मेजरमेंट नहीं दे सकते इसके ऊपर।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो ऊपर का जो डक्ट है उसको ओपन कर लिया जाता है और इसके ऊपर ये वाला कैप लगा लिया जाता है, जिससे हमारा जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो फिट होगा। तो फिलहाल के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लिया जाता है। तो चारों तरफ चारों स्क्रू से इसको लगा लिया जाता है, उसके बाद ही जाके हमारा जो मेन पाइप है उसको ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। तो जो पाइप आता है वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हमको देखने को मिलता है, और ये पूरा ही मतलब एक अच्छा मतलब क्वालिटी का लगा मेरे को, क्योंकि जितने भी हमने पाइप्स यूज़ किए मतलब अभी तक एग्जॉस्ट पाइप्स जो भी होते हैं तो लगभग सेम ही क्वालिटी के होते हैं, अगर आप मतलब थर्ड पार्टी परचेस करेंगे। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आते हैं वो वाला पाइप का क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा बेहतर लगा देखने में। तो उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो बाहर के आउटडोर जो मतलब फ़िल्टर जो है, जिससे मतलब बाहर के कोई सा भी मतलब चीज़ें अंदर नहीं आ सकते चिमनी के अंदर, तो उसके लिए एक बाहर से अच्छे से इसको फिट किया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आउटडोर यूनिट, आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये वाला आउटडोर यूनिट भी आपको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है, और अंदर के जगह जिधर मैं आपको दिखाया कि जो डक्ट है उधर अच्छे से टेपिंग कर लिया जाता है, जैसे कि कोई सा भी मतलब लीकेज वगैरह ना हो। लीकेज इन दी सेंस आई मीन टू से इज़ दैट मतलब कोई सा भी गैस आउट लीक ना हो जब भी मतलब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसका जो ऊपर का जो सरफेस है मतलब ऊपर का जो कवरिंग है उसको लगा लिया जाता है, इसको बेसिकली अच्छे से मतलब इसके ऊपर बिठाया जाता है, और जो ऊपर का जो सरफेस है वो पूरा ही फ्लैट है, तो जैसे कि वो वाला जो पाइप है वो नहीं दिखे इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो इंस्टॉलेशन है ये फ्री इंस्टॉलेशन नहीं है, इसमें आपको चार्जेस लगेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो जब भी आपके इंस्टॉलेशन हो जाएगा आप अच्छे से उनके तरफ से भी जो डेमो है वो भी ले लीजिए, और आप खुद से भी 2-3 बार इसको ट्राई आउट करके देखिए, क्योंकि ये जेस्चर फीचर के ऊपर ज़्यादातर वर्क करता है। तो पूरा जो जेस्चर फीचर्स के ऊपर ये वर्क करता है, तो आपको ये वाला चीज़ अच्छे से जान लेना चाहिए। डेमो के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको दो टाइप की यूजेज के फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक है आप जेस्चर फीचर के थ्रू और एक टच फीचर के थ्रू, और उसके साथ साथ इसको ऑटो क्लीन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेस्चर फीचर की बात करते हैं। तो इन ऑल ऑफ दी केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्विच ऑन योर मेन पावर सप्लाई। ओके, सो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद ही आपको आपके जो फ्लैट पंप का जो सरफेस है इसको आपको सिंपली ऐसे करना है। तो एक बार आपको मतलब राइट स्वाइप करने से ये फर्स्ट मोड पे ऑटोमेटिकली स्विच होके ऑन हो जाता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको सेकेंड मोड पे स्विच करना है तो आपको फिर से सेम ही जेस्चर अप्लाई करना है, तो ये 2 पर चले जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर से इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये 3 मतलब हाईएस्ट पावर में चला जाएगा। सो 1 इज बेसिकली मेंट फॉर लेस ऑयली फूड, सेकेंड 1 इज बेसिकली मेंट फॉर मॉडरेट ऑयली फूड, एंड द थर्ड 1 इज फॉर हेवी ऑयली फूड, मतलब अगर आप ज्यादा ऑयली फूड वगैरह करते हैं तो आप इसको हाईएस्ट में लेके यूज कीजिएगा, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो पहले आपको इसको सेमी ऑफ करना है, तो आपको हैंड को सिंपली मतलब ऑपोजिट डिरेक्शन में मूव करना है, जैसे ऐसे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये सेमी ऑफ हुआ है, उसके बाद फिर से अगर आप करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफ हो गया। तो ऐसे हमारा जेस्चर फीचर के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुक वगैरह कर रहे हैं तो आपको जेस्चर फीचर से इसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आप मोशन जेस्चर से इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं हमारा जो टच फीचर के थ्रू, अगर आप जेस्चर से कंफर्टेबल नहीं है तो अगर आप चाहते हैं तो आप टच फीचर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इधर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पावर ऑन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो पावर ऑन पे आपको एक बार सिंपली टैप करना है। तो पावर ऑन को टैप करने के बाद ये 0 लिखा हुआ आएगा और ये सिंपली ओपन होगा, ये चालू नहीं होगा अभी तक। तो मतलब इसको बेसिकली यूज किया जाता है अगर आप सिंपली लाइट को यूज करना चाहते हैं और आप मशीन को ऑन नहीं करना चाहते लेकिन आप लाइट को ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके मतलब किचन में एम्बियंस में लाइट थोड़ा कम है तो आप इसको फॉर द लाइट पर्पस भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इधर लाइट को ऑन कीजिएगा तो आपका ये जो चिमनी है ये बेसिकली लाइट के लिए वर्क करेगा। तो उसके बाद अगर आपको कोई सा भी मोड पे डायरेक्टली स्विच करना है तो आप टच फीचर के थ्रू ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 पे नहीं देके 2 पे देना चाहता हूँ तो आप सिंपली इधर 2 पे क्लिक कीजिएगा तो ये 2 पे ऑन हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप स्विच करना चाहते हैं 1 पे वापस से तो आप सिंपली 1 पे टैप कीजिए तो ये 1 पे चला जाएगा।
और इधर आपको डिजिटल एक मीटर भी देखने को मिलेगा जिधर से आप इसको मतलब अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस मतलब पावर पे ये अभी चल रहा है। तो ये वन पे चल रहा है। अगर आपको अभी ऑफ करना है तो आपको क्या करना है, आपको वन पे फिर से दबाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ वन पे, अगर मैं फिर से दबाता हूँ तो ये सेमी ऑफ हो जाता है जैसे कि मैंने हैंड जेस्चर में बताया था। तो इसमें भी ये अगर वन को फिर से दबाएंगे जो करेंटली वर्क कर रहा है उसको फिर से दबाएंगे तो ये जीरो पे चला जाएगा, मतलब ये अभी मतलब सेमी ऑफ पोजीशन पे आ गया है। उसके बाद अगर आप इसको ऑफ करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लाइट को पहले ऑफ कीजिए, उसके बाद जाके आप ये पावर बटन है इसको एक बार क्लिक कीजिए तो ये पूरा कंप्लीट आपका ऑफ हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग ये गलत करते हैं कि डायरेक्ट वन पे देने के बाद ही डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वन पे फिर से क्लिक करने के बाद ही वो सेमी ऑफ होगा, उसके बाद ये फुल ऑफ होगा। ये है इस टाइप के ऑटोमेटिक चिमनी का खासियत। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज के ऊपर बात करेंगे वो है इसमें आपको ऑटो क्लीन का भी फीचर देखने को मिलता है। तो अगर आप ज्यादा मतलब ये ऑटो क्लीन आप कितनी इंटरवल पे करेंगे वो डिपेंड करते हैं आपके कुकिंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप बहुत ही हेवी ऑयली फूड ज्यादा कुक करते हैं तो आप मतलब हो सकता है तो वीक में एक बार इसको क्लीन कर लीजिए जैसे कि आपका जो चिमनी है वो अच्छा रहे। और उसके बाद आप इसको सिंपली ये ऑयल ट्रे को डिटैच कर सकते हैं ऐसे। ऑयल ट्रे को डिटैच करने के बाद जब उसको क्लीन करके फिर से इधर से जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर से आप इसको फिर से लगा सकते हैं ऐसे। बाद आपको सिंपली पावर बटन पे क्लिक करना है। तो इधर आपको टच ही यूज करना है जब भी आप मतलब इसको क्लीन करना चाहेंगे। तो आपको पावर पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है। तो पावर पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आपको इधर एक वॉश का एक फीचर देखने को मिलेगा, मैं बाद में आपको इसको जूम करके दिखा दूंगा। तो इसको आपको सिंपली टच एंड होल्ड करके रखना है। तो टच एंड होल्ड करके रखने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इधर आपको 9 शो होगा, मतलब ये बैक काउंटिंग होता है। जब 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लीनिंग प्रोसेस। तो इधर अभी 9 लिखा हुआ है तो ये इंटरनली ड्राई क्लीन होता है। तो आपको बाहर से कुछ भी मतलब अलग से कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन हो जाएगा। तो जब भी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला 9 एकदम 0 पे आ जाएगा। तो आप मतलब मान सकते हैं कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया है मतलब क्लीनिंग। उसके बाद आप इसको डिटैच करके क्लीन क्लीन कीजिए। उसके बाद बॉडी को आप मतलब बंद जब ये रहेगा तब भी आप इसको क्लीन कीजिए, मतलब कोई सॉफ्ट क्लॉथ के थ्रू ऐसे करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे मैं आपको तीनों चीजें मैंने दिखा दिया जैसे कि आपने जैसे जेस्चर फीचर यूज करना है, कैसे टच फीचर यूज करना है और उसके बाद कैसे इसको आप ऑटो क्लीन भी कर सकते हैं। तो सारे मैंने आपको डेमो में दिखा दिए। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड इट डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेंबर्स हुम यू नो हु आर थिंकिंग ऑफ रीडिजाइनिंग देयर मॉड्यूलर किचन। और अगर उनको भी इसी टाइप का कोई सा भी चिमनीज वगैरह लगाने हैं फेबर की तरफ से तो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। यू कैन डायरेक्टली गो एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजिली चूज वन फॉर योर सेल्फ विच यू थिंक वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू टू इंस्टॉल इन योर किचन। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज मेरे चैनल पे देखने हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे टाइप के बहुत ही इनोवेटिव सा गैजेट्स का अनबॉक्सिंग करते रहता हूँ मेरे चैनल पे, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दोज वीडियोज इन माई नियर फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।